अगर आपको भी अपना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अपना नाम देखना है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कि आपका भी लिस्ट में नाम है या नहीं, और उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपके गाँव में कितने लोगों का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पास हुआ है, क्या आपका भी नाम है या नहीं, ये सारा कुछ चेक कर सकते हो, यानी कि पूरे मोहल्ले का चेक कर सकते हो। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके लिए सिंपली आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है एंड यहाँ पर सर्च बार में सर्च ना है पीएम आवास योजना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो पीएमएवाई यहाँ इंटर करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट देखने के लिए मिल रहा होगा, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके सामने फिर से इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आवास सॉफ्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल और वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑल स्टेट का देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का चेक करना चाहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी गांव का, तो यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पर आपको अपना गाँव सिलेक्ट कर लेना है, कौन से गाँव से आप अप्लाई करना है, कौन से गाँव का आप देखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको साल बताना है कि कौन से साल का आप देखना चाहते हैं। हम करंट ईयर 2023-24 यानी कि 24 वाला देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2024 वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्कीम कौन सा स्कीम देखना चाहते हैं, तो हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लिस्ट देखना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पे। एंड यहाँ पे जो कैप्चर कोड देखने के लिए मिल रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करेंगे एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने लिस्ट ओपन होके आ जाएगा, तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन, सबमिट करने के बाद हमारे सामने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो लिस्ट है वो ओपन होके आ जाता है। अब ये लिस्ट क्या कैसे देखना है पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा ये लिस्ट को सही तरीके से देखने के लिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग बता देते हैं लिस्ट को निकालना कैसे, बाकी हम बताएंगे कि आपको लिस्ट को देखना कैसे, लिस्ट देखने का भी तरीका होता है। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया जाएगा, कितने लोगों को मिला है ये योजना में लाभ, या कितने लोगों को मिलने वाला है, या कितने लोगों को मिल रहा है, वो यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज दिखा दिया जाएगा। उसके बाद नाम दिखा दिया जाएगा, फिर यहाँ पर आपको स्कीम दिखा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पे बीपीएल कार्ड का नंबर रहेगा, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो नो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास नरेगा जॉब कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड के नंबर रहेगा, अगर नहीं है तो नो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे साइट अटोल्ड बाई गवर्नमेंट यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। उसके बाद हाउस स्टेटस, मतलब हाउस जो है वो क्या है, स्टेटस हाउस का क्या है, तो एक जो स्टेटस है वो बिलो फाउंडेशन लेवल पे, मतलब जो घर है वो बन ही रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो नीचे है वो सब कम्प्लीट है, यानी कि हाउस बन के तैयार है। और इन लोगों को पैसा कैसे कैसे मिला है इसके लिए यहाँ पर सेक्शन नंबर देखा यहाँ पर। उसके बाद सेक्शन नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, ये सेक्शन नंबर, ये सेक्शन नंबर को आपको अगर आपका नाम है तो इसको कॉपी करके रख लीजिए, काम में आएगा। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन नंबर देखने के बाद यहाँ पर सेक्शन कब हुआ वो डेट, किसी का 9 महीने में यानी कि 3 महीना पहले हुआ, किसी के 6 महीना पहले हुआ, तो वो सबका यहाँ पे बता दिया जा रहा है कितने तारीख को सेक्शन हुआ। उसके बाद सेक्शन अमाउंट कितना हुआ है, जैसे कि पहले वाला जिसका बन रहा है उसका 1,30,000, जिसका कम्प्लीट हो गया उसका भी 1,30,000, और यहाँ पे सबका सेक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पे कितने लोगों को कितना इंस्टॉलमेंट मिला है, जैसे जिसका घर बन रहा है अभी उसको जो दूसरा इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, और जिनका कम्प्लीट हो चुका है उनको तीसरा भी मिल चुका है। अब यहाँ पे रिलीज कितना पैसा उनके खाते में दिया गया है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अमाउंट जो है, तो जिसका बन रहा है उसको 81,250 रुपए दिया गया है, और जिसका बन के कम्प्लीट है उसको 1,30,000 दिया गया है, और लास्ट ट्रांसफर कब किया गया है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो इसका सेक्शन अमाउंट है यानी कि जो पैसा है वो कब मिला था। उसके बाद यहाँ पर ऑफिसर ने किस तरीके से इसको अप्रूव किया वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हो, अपने गाँव मोहल्ले में दिखाना चाहते हो, अपने मुखिया से बात करना चाहते हो, ब्लॉग वगैरह में दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिला होगा डाउनलोड पीडीएफ। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पीडीएफ जो है तो डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि यहाँ कर लिया, अब आपको ओपन पे क्लिक करता आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप कहीं पर भी इसको जहाँ पर आपको लगता है दिखाना चाहिए वहाँ पे दिखा सकते हैं, एकदम ग्रामीण आवास योजना का लिस्ट। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया इसी तरीके से आप ग्रामीण आवास योजना का लिस्ट निकाल सकते हो। आई होप कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।